हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और 1 वीक हो चुका है ख़त्म हुए। अभी लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी उसी का ड्रिल कर रहा हूँ, जो सीखा हुआ है उसका वेरिएशन बनाना, अलग अलग लेवल्स में करना और अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को करना। तो अभी यही चल रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टूडियो आता हूँ और इसके बाद मुझे एडवांस कोरियोग्राफी का बैच ज्वाइन करना है, तो मे भी नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूँगा। तो मैंने सोचा उससे पहले जो सीख चुका हूँ उसे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते और उसको ख़त्म करते और आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस सीखने के लिए। तो अभी बस वही प्रैक्टिस चल रही है और मैंने कुछ टॉपिक्स नोट डाउन किए थे जो मुझे क्लियर करने थे। तो मैंने स्वप्निल सर का पर्सनल क्लास लिया हुआ है, सैटरडे संडे क्लास रहता है। और स्वप्निल पाटिल आप लोग जानते होंगे, डायनेमिक डांस क्रू के फाउंडर, इंडिया का बिगेस्ट जो स्ट्रीट डांस चैम्पियनशिप होता है वो डायनेमिक डांस क्रू ही ऑर्गेनाइज करता है। तो अभी मैं उन्हीं के पास सीख रहा हूँ, अभी 2 ही क्लास लिया हुआ है। तो अभी कल फिर मेरी क्लास है, सैटरडे संडे रहता है। अभी 27 को आरवी घर जा रहा है शायद से 3 वीक्स के लिए, तो मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक, देखते हैं। और अभी मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे पहले, तो एग्ज़ाम टाइम मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस था। और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस पे लग गया, प्रैक्टिस पूरा दिन प्रैक्टिस में ही चला जाता था, तो इतना मन नहीं होता था ब्लॉग बनाने का। और अभी काफ़ी दिन हो चुके तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बनाते हैं और कोशिश करूँगा बीच बीच में ब्लॉग डाल सकूँ। तो अभी स्टूडियो जा रहे हैं सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं स्टूडियो से बाहर आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है और बिना म्यूज़िक के भी वाइब नहीं आता है। तो अभी रूम पे वापस जा रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, अभी ज़्यादा धूप नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इधर ही ब्लॉग कर लेते हैं थोड़ा सा। और मैंने सोचा था आज शाम तक रुकेंगे क्योंकि थोड़ा काम भी था बॉक्स शीट में, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज अभी मैं तैयार हो गया हूँ और स्टूडियो के लिए निकल रहा हूँ। किंग्स नहीं जा रहा, डायनेमिक डांस स्टूडियो जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि सैटरडे संडे मेरी क्लास रहती है, तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि आज सैटरडे है। वो मैं जब रूम पे आया तो मुझे याद आया कि आज सैटरडे, आज क्लास जाना है। तो अभी स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, फिर उधर से लोकल से मीरा रोड जाएंगे क्योंकि उधर ही स्टूडियो पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी मैं मीरा रोड स्टेशन पहुंच गया हूँ और बस स्टॉप जा रहा हूँ अब कश्मीरा जाने के लिए। तो अभी यही पास में ही है बस स्टॉप, तो उधर चलते हैं। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, वरना बहुत तेज़ धूप रहती है, तो चलते हैं अभी। हेलो एवरीवन, अनदर डे सेम ब्लॉग। सो अभी मैं एक दिन स्किप करके ब्लॉग बना रहा हूँ, इससे पहले का वीडियो जो है वो सैटरडे का है और अभी मैं संडे स्किप करके आज मंडे को ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी सैटरडे संडे को मेरा एफ्रो का क्लास था जो कि बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सीखने में। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ, एफ्रो एक वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, घाना, और उसका कैपिटल एक्रा, वहाँ से ओरिजिनेटेड है। और बहुत से आप लोगों ने स्टेप्स देखे होंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में जाते हैं, रील्स में लोग बनाते हैं, वो ज़्यादातर मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ वो एफ्रो ही डांस के स्टेप्स रहते हैं। तो अभी मेरी डांस की डिक्शनरी में एक और स्टाइल ऐड हो गई है, अभी टोटल 7 स्टाइल हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी है। तो अभी सीख रहे हैं और कल मैं स्टूडियो नहीं गया था तो अभी जा रहा हूँ स्टूडियो प्रैक्टिस के लिए।
कल रूम पे प्रैक्टिस किया था, तो अभी जाते हैं और कल शायद से एक वीडियो शूट करना है, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वीडियो शूट नहीं किया है, तो देखते हैं कल करते हैं। वेस्ट वाले स्टूडियो में जाएंगे तो करेंगे, वरना यहाँ पे बॉक्स स्ट्रीट में अभी तो मन नहीं शूट करने का, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी जाके प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं रूम पे वापस आ गया हूँ और मैं ये जीरा सोडा और लिट्टी चोखा लेके आया हूँ दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से शॉप बंद थी और आज जब मैं सुबह जा रहा था तो मैंने देखा था शॉप ओपन हो गई है, तो अभी मैंने सोचा दोपहर में आते वक्त खाएंगे। तो अभी इसको जल्दी से खा के ख़त्म करते हैं और इस छोटे से ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।